पुलिस प्रशासन ने छठ पूजा को संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके मद्देनजर एसएसपी विपिन ताड़ा ने सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जनपद में 390 छठ घाट बनाए गए हैं तथा सभी घाटों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा को संपन्न कराने के लिए पीएसी, ट्रैफिक पुलिस व एसडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है तथा नाविक व गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। एसएसपी ने बताया कि नगर निगम से बात करके घाटों पर लाइट, साफ सफाई, पानी व बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा छठ पर्व को शांति से मनाएं तथा आतिशबाजी का प्रयोग भीड़भाड़ में ना करें तथा जहां गहरे घाट है, नदी का कटान है, वहां पर ना जाएं तथा भीड़ में बच्चों का ध्यान रखें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु मिलती है तो तत्काल 112 पर सूचना दें, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचेगी और सहयोग करेगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्व में जो महिला अपराध सामने आए हैं उनको चिन्हित करके उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तथा छठ में अलग अलग जगहों पर महिला पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है जो महिलाओं की मदद करेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा सब अपना अपना पहचाने अपना बता देंगे हजारों में भीड़ आएगी तो ये तो अरे जो जो जहाँ जिसको जगह मिलेगी अब ऐसे ऐसे पीछे भी हो जाएंगे लोग सर। छठ में करीब 390 स्थानों पर छठ पूजा की जाएगी जनपद में, जिस पर कि सभी जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएसी तैनात की गई है, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती हुई है, साथ ही फ्लड पीएसी और एसडीआरएफ की इस बार भी तैनाती की गई है, नाविक और गोताखोरों की व्यवस्था की गई है, साथ ही नगर पालिका नगर निगमों से बात करके जो वहाँ पर प्रकाश, साफ सफाई, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। मेरा सभी से निवेदन है कि छठ के पर्व को सकुशल खुशहाली से मनाएं, आतिशबाजी का प्रयोग भीड़ में ना करें, जहां गहरे घाट हैं, जहां तेज कटान है, नदी का बहाव तेज है, वहां पर ना जाएं, जो सुरक्षित घाट हैं वहां पर जाएं, बच्चों का खास ख्याल रखें, आवागमन में सावधानी बरतें, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु कोई मिलती है तो तत्काल पुलिस को 112 पर सूचना दें, पुलिस तत्काल मौके पर पहुँचेगी, पुलिस का सहयोग करें क्योंकि पुलिस आपके सहयोग के लिए ही छठ पूजा के कार्यक्रम में तैनात की गई है। महिला सुरक्षा के दृष्टिगत हमने जो पूर्व में महिला अपराध के जो मामले सामने आए हैं उनको चिन्हित करके उन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, साथ ही अलग अलग जगहों पर महिला पुलिस की टोलियां भी तैनात की जाएंगी जो कि महिलाओं के सहयोग के लिए वहां मौजूद रहेंगी, साथ ही पुरुष पुलिसकर्मी भी सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे जो निगाह रखेंगे किस प्रकार कोई सौदे या कोई आपराधिक तत्व या कोई आपराधिक प्रवृत्ति की महिलाएं यदि कहीं भीड़ में नजर आती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।